नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलेश कुमार है और आप देख रहे हैं देसी टाइल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है ब्लू फिक्स एपॉक्सी एडहेसिव जो है दोस्तों, इसके बारे में हम जो बताने वाले हैं और ये जो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, वो भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें जो ये जो बॉक्स मिलता है, ब्लू फिक्स लिखा हुआ है और सुपर स्ट्रॉन्ग भी जो यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है और 4 आवर्स में ये जो सेट हो जाता है। और दोस्तों, ये जो है दोस्तों कहाँ कहाँ पर ये जो दोस्तों यूज होता है वो भी हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये जो ब्लू फिक्स जो है, ये जो मार्बल इटालियन ग्रेनाइट में इसका जो ज़्यादा यूज़ होता है और दोस्तों फर्नीचर ग्लास इसमें भी इसका जो यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको जो हम जो ओपन कर लेते हैं। तो भाई साहब, इसको जो हम जो है इस तरीके से इसको जो है फटाफट से जो खोल लेते हैं और इसके अंदर जो हमें जो दोस्तों दो जो है डब्बे मिलते हैं अलग अलग, जो पार्ट ए और पार्ट बी हम इसको जो कह सकते हैं अलग अलग जो है। जो एक जो डब्बा है दोस्तों वो थोड़ा ब्लैक या ग्रे जैसा जो है हमें जो दिख रहा है और दूसरा जो दोस्तों है वो जो ब्लू कलर का है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें जो मिलता है दोस्तों। ये जो दोस्तों हार्डनर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा ये जो हार्डनर है। और दोस्तों दूसरा जो डब्बा है वो जो दोस्तों रेजिन होता है, ये जो रेजिन है एक हार्डनर और एक रेजिन हमें जो मिलता है। तो इस तरीके से हमें जो दोस्तों डब्बा मिलता है। अब जो दोस्तों इन दोनों डब्बे को जो है हम जो ऊपर से जो ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसको जो है ओपन कर दिया पूरा, पर जो इसका जो सील लगा हुआ था उसको हमने जो निकाल दिया है। अब इसके ऊपर जो हम जो है ढक्कन लगा देंगे वापस से और इसको जो है थोड़ा सा निकाल लेंगे और दोनों ही दोस्तों हमें जो है समान मात्रा में थोड़ा थोड़ा जो दोनों को एक सरखा ही जो निकालना है। तो इस तरीके से हम जो है दूसरा भी जो निकाल लेंगे। एक जो हार्डनर है, ये जो दोस्तों हमारे पास हार्डनर है, इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको जो है फटाफट से इसको जो हम जो मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो हम दोस्तों इससे एक पत्थर चिपका के देखेंगे जो कि जो है कितना मजबूत जो है चिपकता है। तो हमें जो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है दोस्तों, पूरा वाइट हो जाए तब तक इसको जो मिक्स करते रहना है। अब दोस्तों हम जो क्या करेंगे, एक पट्टी लेंगे पत्थर की ग्रेनाइट की, उसको जो हम जो यहाँ से चिपकाएंगे इसको जो। तो दोस्तों एक जो हम यहाँ पर एक कागज़ ले लेंगे, कागज़ और इसके ऊपर हम जो दोस्तों ग्रेनाइट की पट्टी रखेंगे ताकि ये जो दोस्तों पट्टी है नीचे जो है चिपके नहीं और अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जो दोस्तों ब्लू फिक्स लगा लेंगे आप जो देख सकते हैं। और इसको जो हमें जो है बराबर जो है प्रेस कर देना है ताकि इसकी जो बॉन्डिंग जो है दोस्तों अच्छी तरीके से हो पाए। तो इस तरीके से हम इसको जो है दोस्तों चिपका देना है और इसको जो हम सूखने के लिए रख देंगे और इसको हम पूरा एक दिन के लिए रखेंगे दोस्तों सूखने के लिए। उसके दूसरे दिन इसको जो हम जो चेक करेंगे कि ये कितना जो मजबूत चिपका हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हम दूसरे दिन इसको जो दोस्तों अब इसको जो हम चेक करेंगे कि दोस्तों ये जो है चिपका हुआ है कि नहीं बराबर। पूरा एक दिन दोस्तों हो चुका है और आप देख सकते हैं ये जो दोस्तों अच्छी तरीके से चिपक गया है। लेकिन दोस्तों हम ऐसे इसको जो चेक नहीं करेंगे, हम जो इसको ऊपर जो दोस्तों हथौड़ा मारेंगे एक, ताकि ये पट्टी यहाँ से टूटती है कि नहीं टूटती है। पट्टी जो दोस्तों पूरी बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है ओके है और यहाँ से हम इसको जो हथौड़ा मार के चेक करेंगे कि ये जो पट्टी दोस्तों है ग्रेनाइट की ये टूटती है कि नहीं टूटती है। और पूरी पट्टी जो दोस्तों अक्खी है आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं से भी क्रैक नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक जो हम हथौड़ा मार के चेक करते हैं इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको जो हथौड़ा मारा है लेकिन वहाँ से क्रैक हुई नहीं है और आगे से ही पट्टी अलग ही जगह से टूट गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर जहाँ से दोस्तों इसको हमने चिपकाया है वहाँ से इसको कुछ हुआ ही नहीं है। एक बार और ट्राई करते हैं दोस्तों, एक बार इसको जो हम ट्राई करेंगे और ये देख सकते हैं आप वापस इसकी जो दोस्तों बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है और दोस्तों यहाँ से टूटी नहीं है और दूसरी जगह से जो दोस्तों टूट गई है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर एक बार फिर इसको जो हम दोस्तों इसमें क्रैक जो मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसके अंदर आप देख सकते हैं, फिर भी एक बार और कोशिश करेंगे हम ये टूटती है कि नहीं टूटती है।
अब की बार इसको जो है थोड़ा ऊपर रख के भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम हथौड़े से एक बार वापस इसको जो चेक करते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्रैक हो ही गई थी पहले से ही। और दोस्तों ये जो है अभी जो ये टूट गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है दो बार जब इस पर हथौड़ा मारा तब जाके दोस्तों पट्टी क्रैक हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना जो ये जो दोस्तों मजबूत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।